वो लिख देते ना, मतलब 600 रुपया ले जा रहे हैं, वो लिख देना लिखे कहाँ पीछे बात दंड कर दूंगा आराम से। दंड तो कर दी को, वजन तो है ही ना। वजन क्यों ना देखियो, कहाँ वजन, यह काम देख अपना सिंपल बोल दे, न्यूज बोल दे। ठीक चल करें चालू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात में। और जोरदार खबरें, शाम के 8 बज चुके हैं और जोरदार खबरें प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सुनिए पहली खबर, विजय सरोत गांव सोंद का लड़का है विजय सरोत, उन्होंने शिकायत दी है कि गाँव के रास्ते हैं वो कीचड़ से भरे हुए हैं और नालियाँ ओवरफ्लो चल रही हैं। आप भी अंदाज़ लगा सकते हो, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, लेकिन वहाँ पर नालियाँ साफ तो होती नहीं है। क्यों? गांव में 6 कर्मचारी लगे हुए हैं और 6 कर्मचारियों के पास ये कोई सूचना देने वाला नहीं है कि मतलब ये हमारे यहाँ में आ जाओ और सफाई कर जाओ। कभी किसकी, हमारी बाहर लगा दे फलाने को। भाई ये बताओ, 6 के नाम तो बताओ, है किस बात की तनख्वाह ले रहे हुए? हमारा अधिकार बनाए हैं यू हर किसी का कि हम पूछें कि कहाँ गए वे कर्मचारी, क्या सफाई ना हेरी, गंदगी फैली पड़े, भैया साफ करो, कोरोना वैसे ही जान के आ रहा है और मतलब ये नालीन थे, मतलब ये मच्छर मच्छर मलेरिया वाले और फैलेगा, बीमारी और बढ़ेगी, तो यहाँ मैं दवाई घेरो, कोई भी जो है तुम्हारी ड्यूटी जो कोई दवाई है वह घेरो, साफ करो जाए भैया। अगली है भैया, अगली खबर थोड़ी सी दुखदाई है क्योंकि ये भगवान की खेती है और कच्ची पक्की फसलें सब काट रहे भगवान। सौंद गांव में चिताओं की आग ठंडी नहीं हो रही है और एक आदमी को दाह संस्कार करके आते इतनी दूसरा तैयार मिलता है, इस प्रकार मतलब ये कि माहौल बना हुआ है। धर्मवीर अंकल जी हैं जो सरपंची के पद पर ठाड़े हुए उम्मीदवार हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया कल और सोनी जोगी जो कुशल के पिताजी हैं उनका भी देहांत हो चुका है कल ही, और गोविंद राम जी जो मोहन था, जो भगरी वाला केस लड़का था लालचंद महेश और वो मोहन दोनों की जो रूपावारी केस में मतलब ये कि हत्याकांड हुई थी उसमें भी, हाँ मोहन है जो महेश जो लालचंद का उसके साथ उसकी दुर्घटना में मौत हुई थी, उसके दादाजी गोविंद राम जी की भी मौत हो गई है। तो ये सारी खबर सोंद गांव की है। हम सभी भगवान से उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अगली खबर भाई, होटल मोक्ष धाम में दाह संस्कार के बाद 2 दिन में ही ले जानी होंगी परिजनों को अस्थियां, कि जैसे 3 दिन 23 दिन ले जाए करें तो 2 दिन में ही उठानी पड़ेंगी, क्यों लगातार वो माहौल बने पड़े। वो DSP व होटल थाना प्रभारी ने बाजार में कई जगह गश्त दुकानदारों को दी चेतावनी, खुली दुकान मिली तो होगी कार्रवाई, चोरी छिपे दुकानदार सामान बेच रहे, पुलिस गाड़ी आते देख बंद कर दें फिर चालू कर दें, लेकिन ऐसा हम पुलिस धोखा ना दे रहे, अपने आप धोखा दे रहे, अपने परिवार जनों ने धोखा दे रहे, अपने सगे संबंधी धोखा दे रहे। होटल के दुकानदार लॉकडाउन के चलते भी बेच रहे हैं सामान और पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मैंने अभी बताया कि भाई ये अपने नियत मान जाओ, अपने परिवार की नियत मान जाओ। और भैया पुलिस वाले ने मैं खूब अनुरोध कर रहा हूँ, जूता उठाओ साइड में, ना मैं ना रहा यार, बीच तरह समझा रहे रोज आ रहे हैं, मतलब चोरी छिपे सामान बेच रहे हो, फलान कर रहे हो, अरे जान की परवाही ना बिल्कुल। और भैया मेरी ओर से पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर बना मना भेजा ना, मैं छक्का मारा और जो परवाही मारा और छोड़े मैं तो 3 दिन पहले, समझ में ना आ रही इनकी। पलवल आगरा चौक पर निजी वाहनों में अवैध सवारियाँ ढोने के चालकों को दी चेतावनी कि भाई कार्रवाई करी जा रही है, कि एक एक सवारी जगह पर 2-3 दिन में सवारी भरी जा रही है, ऐसे ठूस के भरी जा रही है, शर्म तो रही ना है, फिर जाके गाड़ी देगा तब जो आता है, एक एक सवारी जगह पे 10-10 सवारी भर जा रही है, भुस्किलो से भर रही है, तो जब आता तेरा शर्म ना आ जाए, फिर जाके गाड़ी दिए। अरे कोरोना काम वैसे ही चल रहा है टाइम, कौन की कौन सो सांस आखिरी हो, तेरी समझ में थोड़ी जाए, तब तो बिजनेस करना हो अपना, आज तुम धंधा सेट बनेंगे, अरे 2 सवारी कम भी भर सको, लेकिन ना माने डंडान दी। पूर्व मंत्री करंदलाल ने COVID-19 के मरीजों को सही इलाज और ऑक्सीजन न मिलने पर लगाया आरोप, JCB स्कूल में बैठे और उनके प्राध्यापक अध्यापक थे उसके साथ करंदलाल जी जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सरकार को आरोप लगाया है कि समय पर ऑक्सीजन न मिल रही, गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर जो गैस सिलेंडर होते हैं और वो नहीं मिल रही,
क्या बोले, इलाज ना मिल रहा टाइम पे, अस्पताल में बेड कमी है, दवाई गोली की कमी है, ट्रीटमेंट कमी है, तो ये आरोप लगाए जनता पर। पुलिस भैया ये आरोप तो साँचो है, हम किसी पार्टी बाज ना करें, करें ना बीजेपी ना कांग्रेस ना जेजेपी, हमारे सब बराबर है। और जब बता हम गलत काम करें तुरंत चालान काट दे सरकार, हेलमेट ना पहले चालान काट दियो, पॉल्यूशन ना चालान काट दियो, रोड रेड लाइट क्रॉस करके तो चालान काट दियो, टैक्स का मार दे रहे हम, जब हम सोखते मर भी ना सकें, लाइन लग रही है अस्पताल में और वहाँ में मतलब मरेठान में हमारे खोट पर चालान काट दे। अब कांग्रेस सरकार हम टैक्स दे रहे हैं ना तो कोई हमें पढ़ाई मिल रही, पढ़ाई भी स्कूल बंद कर रहा है, इसके हॉस्पिटल में बेड ना मिल रही, ऑक्सीजन ना मिल रही, उचित दवाई और इलाज ना मिल रही, जब तक कहाँ होगा सरकार को हमारे पास चालान काट को, जो हम टैक्स दे रहे हैं अपनी मतलब ये कि आमदनी में तो काट काट के विजाई मदद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भैया का सुख होगा, लेकिन ना कोई चिंता ही ना कही है। अब सरकार को चालान कौन काटे फूफा जो बताम हो भाई, दोन बगल तो होनी चाहिए ना बात, हमारा चालान कट गो लेकिन सरकार कौन करे, मनगढ़ंत चला रहे हैं अपने हिसाब किताब से, यूँ खोटना है का, हम तो मतलब टैक्स भर रहे हैं लेकिन जब ये सरकार खोटना है का, हम टैक्स दे रहे हैं अपनी सुविधा के नहीं, लेकिन वे सुविधा मिलना रही तो क्या होगा, चालान सरकार चालान कौन काटे गो, आदमी को तो काट दियो, सरकार को भी कटना चाहिए, हम जो ना करें बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो लेकिन हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बढ़िया इलाज बढ़िया शिक्षा, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, समय पर बिजली और समय पर पानी। अगली खबर भैया, पलवल की आदर्श कॉलोनी में पारिवारिक विवाद को लेकर लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष के लोगों पर किया जानलेवा हमला। तो भैया रोज केस आ रहे हैं, वैसे ही कोरोना जिंदा रहो लेकिन इन मामले में तनक हल्के रखो। पलवल के नागरिक अस्पताल में बेडों की कमी के कारण मरीज हुए बेहाल, सिविल अस्पताल में बेड ना मिलने पर मरीज अपने घर से लाए चारपाई। बताओ इतनी नौबत आ रही है कि घर से चारपाई लानी पड़ रही है और फिर भी दवाई ना मिल रही टाइम पे, समय पर दवाई ना मिलने पर लगाया आरोप, ऑक्सीजन ना मिल रही और दवाई ना मिल रही, तो आदमी तो मरे, वो अंदाजा खुद लगा सको। पत्नी के गहने बेचकर ऑटो चालक ने बनाया ऑटो को एम्बुलेंस और धारा 188 के तहत पुलिस ने काटा चालान। बताओ जी, अपनी पत्नी के गहने बेच के लोगों की सेवा करी और वह सेवा को यूं नतीजो कि मतलब एक चालान, ठीक है भाई वह सरकार मान के तो हुई है। भुर्जा से 17 वर्षीय लड़की को उपचार के लिए लाया गया जीएच, इमरजेंसी वार्ड खाली न होने के कारण कार में ही 2 घंटे करना पड़ा इंतजार। ना तो इमरजेंसी वार्ड खाली, ना जनरल वार्ड खाली, कोई वार्ड खाली नहीं है और गाड़ी में ही उपचार करना पड़ेगा। अब देखो कि आदमी मौत से जूझने को तैयार है लेकिन अस्पताल में कोई जगह नहीं है। जिला अस्पताल पलवल के वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की उमड़ रही भारी भीड़, युवाओं में दिख रहा है भारी उत्साह, जो वैक्सीन है COVID-19 के बचने के लिए लगाई गई है, उत्साह का डर है, मौत दिख रही सामने, रोज मौत आ रही है ना, अस्पताल लाइन लग रही है, पूरी सी उतर रही है, या हमारा वैसे कोई लगवान तो, लेकिन जब देख रहे हैं दर्शन ने उन्हें देख रहे हैं वीडियो ने हमारे ठान में कितनी लाश फूक रही है और मतलब उन्हें देख रहे हैं, जब जे आ रहे डर के मार, और मैं कह भी रह जाऊँ हाथ जो विनम कर रहा हूँ कि हर बच्चा हर आदमी जाना चाहिए और वैक्सीन लगानी चाहिए, ये तो हमारा अधिकार बने जो सरकार दे रही है था फैसिलिटी। हतीन मारपीट में हत्या के प्रयास के मामले में सापन की गांव से पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और रोज रो रहे हुए छोटे मोटे, लेकिन भैया कोरोना महामारी है, मारपीट बंद कर दो, दादागिरी मत दिखाओ दूसरे पे, हमें यहीं रहना है समाज में ही, लेकिन सुधरेंगे ना। ये कोरोना पॉजिटिव केस के मिलने पर डीसी ने खामी गांव को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया, कि मतलब ना तो कोई आवेगा बाहर को आदमी, ना अंदर को आदमी बाहर जा सके, मतलब ना आना ना जानो, घेर लिया पुलिस ने, तो ऐसा होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लागू होना चाहिए, क्यों जब यह बीमारी से हम निजात पा सकें, ये हमारा अधिकार है। तो भैया ये तो पूरे देश में होना चाहिए और सख्ती से होना चाहिए, ताकि हम मतलब ये किस बीमारी से निजात पा सकें। लड़ाई झगड़ा और हत्या के प्रयास के आरोपी हतीन अदालत ने जमानत की नामंजूर, भेजा जेल। भैया होता जब धमकी दे रहा है जानते मारने की
और लड़ाई झगड़े के केस में आरोपी सजा सुना दी है, ना मंजूर होनी चाहिए और जेल भेज दिए। गांव रनसिका का है आरोपी। आईटीआई में स्थापित किया जाएगा कोविड केयर सेंटर, 250 बेड का किया जाएगा प्रबंध। तो जहां बच्चों की पढ़ाई होए आईटीआई वहां पे अब अस्पताल बनाया जा रहा है, बेड की वो लगाई जा रही है गुहार सरकार से। आयुष विभाग ने हथीन उपमंडल के कई गांव में आयुष औषधियां एवं काढ़े का किया वितरण कि हम काढ़े द्वारा भी इस बीमारी से निजात पा सकें, गर्म काढ़ो उससे भी हम इस बीमारी से निजात पा सकें। कोरोना जो बीमारी है भयंकर बीमारी है, इसे कोई भी हल्के में ना लें। हसनपुर सहित पलवल निवासी जिलावासी कोरोना के साथ साथ टीबी को ने कहें नज़रअंदाज, कि मतलब ये कि कोरोना जब आज अस्पताल में हम जाएं जांच करवाएं तो कोरोना पॉजिटिव बता तुरंत ही, लेकिन और बीमारी तुच्छ है उसके सामने। डॉक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह का कहना है कि भाई टीबी भी वहाँ बीमारी है, भयंकर बीमारी है, तो कोरोना ही ना आए, अभी तो महामारी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें और जो बीमारी है मरीज की उसी को ही बताएं कि मरीज आया तो है खांसी जुकाम की चेक करवाने के लिए कोरोना पॉजिटिव, आया तो है अपने बागो मुँह जीरे के लिए दिखाने के लिए लेकिन कोरोना पॉजिटिव। भैया मेरी रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टर से, जो बीमारी है वही बताओ, आप भगवान का रूप हो जल्लाद का रूप मत लो। और एक बात बताऊँ, असली कमाई तो डॉक्टर की अब चलिए, झोला छाप भी घर में 10-10 हज़ार रुपये लग बैठ रहे हो एक दिन में, पता ना ये बीमारी है या भय को भूत है या भगवान जाने या भैया वही जाने। हम तो यह बात कहेंगे फिर भी, भैया आटे में नमक की तरह खाओ, आप भगवान का रूप हो जल्लाद का रूप मत लो, यू मेरी आपते हाथ जोड़ कर नंबर निवेदन है। और एक बात और बता दूँ मैं भैया खबर सीने नकार दूँ तो महाबली है मरना गांव से, मैं नाम तो किसी को लूँगा ना, लेकिन वाकबो पर फोन आया कि अजीत तू कितना बड़ा दादा है ऐसी खबर निकाल रहा हो। भैया दादा ना हूँ मैं, तुम्हें थोड़ा सा जागरूक करवा रहा हूँ कि लोकल खबरें थे, बल ये हमारे पास खबर है, लेकिन फिर भी मैं बात यह बात कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे गाँव का जो सर्वे सर्वा है ना तुल्ला सरपंच, वे मेरे मामा जी, मैं उनको भांजा हूँ, अगर तुझे कोई बात कहनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर भैया मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और चेतावनी दे रहे मत ना, इतना मैं हल्को भी ना हूँ और मैं गलत कायम का कहना रहा हूँ, आगे आप जानो। अगर किसी भाई के पास कोई खबर है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, अब वो व्हाट्सअप करो, फ़ोन करो, कॉल करो, आप खबर सामने आएगी। जय श्री राम।